सत श्री अकाल जी, मैं करण हांडा। तुसी देख रहे हो लिबरल टीवी पंजाबी, लोकां दी आवाज लोकां लई। बॉलीवुड दे शहंशाह दीवानन ओनली अमिताभ बच्चन दे फैंस वास्ते एक खुशी दी खबर लैके हाजिर हो रहे हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने अज एक ब्लॉग पोस्ट पा के ये दस्या कि उन्होंने पिछले दिन एक आई सर्जरी करवाई सी जो कि सक्सैसफुल रही है, ते हुण हौली हौली उन्हां दी आई साइट जिहड़ी है रिकवर कर जाएगी ते ओह मुड़ तों अदाकारी शुरू करनगे। यह खबर जानने तो बाद अमिताभ बच्चन के फैंस दे विच खुशी की लहर दौड़ चुकी है। दरअसल मसला यह कि अज तो कुछ दिन पहला अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग पोस्ट पा के यह दस्या सी कि उन्होंने एक सर्जरी करवाई है जिसके चलदियां उन्हां दी सेहत खराब चल रही है। हुण इस तो बाद उन्होंने फैंस दे विच काफ़ी चिंतापूर्ण माहौल बन गया क्योंकि अमिताभ बच्चन ने ना तो यह दस्या भी सर्जरी कही है तो ना ही यह दस्या भी तबीयत किन्नी क्यों खराब है। पर अज जो उन्होंने ये गल सामने रखी है कि उन्होंने आई सर्जरी करवाई सी जो कि सक्सैसफुल रही है, तो उन्होंने फैंस खासे खुश नज़र आ रहे हैं। इतने तुम्हें दस दी कि अमिताभ बच्चन ने एक बड़ा ही रोचक किस्सा भी साझा किया। अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्होंने आई साइट फिलहाल ब्लर है पर हौली हौली रिकवर हो जाएगी, पर ब्लर होने के चलद्या उन्होंने अपने हालातों के नाल नाल वैसट इंडीज़ के महान क्रिकेटर गैरी सोबर्स का एक किस्सा चेते आता है। अमिताभ बच्चन ने यह किस्सा भी अपने फैंस नाल साझा किया। अमिताभ बच्चन लिखते हैं कि गैरी सोबर्स वैसट इंडीज़ टीम के नाल जदों एक विरोधी धिर के नाल मैच खेड रहे सी, पर उन्हां दी टीम की हालत जदों काफ़ी कमजोर सी, वैसट इंडीज़ के हालात मैच जितने वाले नहीं लग रहे सी, तां गैरी सोबर्स ने रम दे दो पैग मारे तो फिर वह बैटिंग करन गए तो उन्होंने अपनी जिंदगी का सब तो तेज शतक मारिया। इस तो बाद अमिताभ बच्चन लिखते हैं कि जदों गैरी सोबर्स को यह पूछा गया कि शतक किस तरह बजा तो गैरी सोबर्स का बयान सी कि उन्होंने दरअसल तीन तीन गेंदा दिख रही सन तो वह विचकार दिखती गेंद नूं मार रहे सी जिसके चलदे उन्होंने शतक मारिया। इस तो बाद अमिताभ बच्चन लिखते हैं कि अज हुण जदों उन्होंने आईसाइट भी ब्लर है तो उन्होंने टाइपिंग करने वेले तीन तीन अक्षर दिख रहे हैं तो वह भी विचकारला अक्षर नप रहे हैं, तो जे टाइपिंग दे विच कोई एरर हो जाए तो उन्होंने फैनस उन्होंने माफ रखन। सो अमिताभ बच्चन ने अपने अंदाज दे विच लोगों तक खुशी की खबर पहुँचाई कि उन्होंने आई सर्जरी सक्सैसफुल रही है। इस तो पहला भी तुम्हें दस दिए कि 1982 अमिताभ बच्चन क्लीनिकली डेड तक करार देता गया। दरअसल 1982 कूली फिल्म की शूटिंग के चलद एक एक्शन सीन शूट किया जाना सी जिस दे विच अमिताभ बच्चन ने एक मेज के उत्ते जंप करना सी, पर जदों जजमेंट गलत हो गई तो अमिताभ बच्चन मेज के उत्ते गलत तरीके गिरे तो उन्होंने जी आंतड़ियों पेट के कोल काफ़ी चोट पहुंची, अंदरूनी ब्लीडिंग होने करके उन्होंने डॉक्टर ने काफ़ी गंभीर बीमार दसिया तो क्लीनिकली डेड भी करार दे दिता। इस तो बाद 2 अगस्त 1982 में अमिताभ बच्चन मुड़ तो होश में आए जिस तो बाद उन्होंने यह बयान दिता कि उन्होंने इंज लग रहा है कि उन्होंने एक नवी जिंदगी मिली है। हुण इसे किस्सों के चलते अमिताभ बच्चन के फैनस हमेशा ही अपने हरमन प्यारे अदाकार की सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं, पर अज अमिताभ बच्चन ने जो ब्लॉग पोस्ट पा के लिखा कि उन्होंने आई सर्जरी सक्सैसफुल रही है तो उन्होंने फैनस काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। सो देश विदेश दी होर खबरां देखण वास्ते इस तरह जुड़े रहो लिबरल टीवी पंजाबी दे नाल, लोकां दी आवाज़ लोकां लई।